हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहूँगी जो इस एक हफ्ते में मेरे साथ हुई है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग जब कान में एयररिंग्स पहनते हैं तो हम लोग इन चीज़ों को जो है गौर नहीं करते। तो मेरे साथ क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं वैसे तो यहाँ पे जो है मैं गोल्ड के ही इयररिंग्स पहनती हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जब कुछ ही ओकेशनली जब मैं इयररिंग्स को चेंज करती हूँ तो हम लोग जो है कभी छोटे छोटे से टॉप्स के जो पीछे पेच होते हैं वो हम पहनते हैं। तो जो है मैंने पहना तो वो शायद कहीं मुझे लगा कि वो कहीं गिर गया, लेकिन पिछले एक हफ्ते मुझे कान में काफ़ी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। और जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो मैं आई एम सरप्राइजिंग कि उन्होंने मेरे कान को क्लीन किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना छोटा, आप देख सकते हैं इतना छोटा सा पेंच मेरे कान के अंदर से निकला। मतलब आपको ये चीज़ बिलीव नहीं हो रही होगी लेकिन इट्स रियली ट्रू, ये बिल्कुल सच बात है। और मेरे कान में से इतना बड़ा, मतलब मुझे भी उन्होंने जब ये चीज़ दिखाई तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर जो है जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे इस चीज़ का वो हुआ। मैं आपको चाहे तो मैं आपको अपना रिपोर्ट्स भी दिखा सकती हूँ कि मैं अभी ही जो है विज़िट करने गई थी जो है अपने डॉक्टर के पास। देखिए डेट भी पड़ी हुई है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही मैं उनसे विज़िट करने के लिए गई हुई थी। तो अभी तो मेरे कान को काफ़ी रिलीफ है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग इस तरीके के इयररिंग्स हम सभी पहनते हैं तो वाइल वेयरिंग दिस बी केयरफुल, क्योंकि ये हमारे कान को काफ़ी जो है डैमेज कर सकता है। अगर आपको मेरा ये जो है इस चीज़ सही लग रही होगी तो प्लीज़ बिलीव ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि इस चीज़ में आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मेरा फर्स्ट वीडियो है इस वजह से मैं इस तरीके का कोई वो, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी फ्रेंड्स कि ये मेरे साथ हुआ है और मैं खुद इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। तो प्लीज़ गर्ल्स एंड ऑल द लवली लेडीज़, वाइल वियरिंग इयररिंग्स बी केयरफुल कि वो कहीं हमारे कानों के अंदर ना जाए। सो थैंक यू सो मच अगर आपने मुझे ट्रस्ट किया हो, और इसके बारे में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए तो मैंने आपके साथ ये शेयर की। ओके थैंक यू, बाय बाय।